नमस्कार दोस्तों, आज न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस BMW के बारे में बताऊंगा सर्विस करके, इसकी सर्विस कैसे क्या क्या होती है। तो दोस्तों मोटे में आपको देना चाहते हैं, दोस्तों सर्विस बहुत ही टफ नहीं होती है। इसका इंटेक और डब्बा को हम क्लीन करते हैं। इंटेक और डब्बा ही दो चीज़ सर्विस में होती है, मेन चीज़ जो होती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसमें अगर आप डीजल फिल्टर को चेंज करना चाहते हैं, गियर ऑयल को चेंज करना चाहते हैं, इंजन ऑयल चेंज करता है या इंजन फिल्टर को चेंज करना चाहते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही इजी है, आम चीज़ है। इसे कोई भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो डीजल फिल्टर होता है हमारा गाड़ी के नीचे होता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और जो इसमें एक चीज़ खास होती है, जो दोस्तों हमारा गियर ऑयल होता है, गियर ऑयल को यदि आपको चेंज करना हो, उसका फिल्टर चेंज करना हो गियर ऑयल का, तो दोस्तों इसमें कार्टेल, उसका बड़ा वाला कार्टेल यानी कार्टेल सहित ही यह न्यू आएगा और कार्टेल सहित ही यह चेंज होगा। तो दोस्तों इस गाड़ी के बारे में हम आपको बताएंगे आज। ये हमारी न्यू BMW है, 2024 की न्यू गाड़ी अभी लॉन्च हुई है। तो दोस्तों इस गाड़ी को सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, गियर वगैरह सब कुछ है। तो आज हम इसके गियर वगैरह की जानकारी नहीं देंगे, बस इसका फुल सर्विस के बारे में पूरा प्रोसेस जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर और पूरा फुल बाई फुल स्टेप बाई स्टेप आज मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों अपनी न्यू गाड़ी BMW 2023 गाड़ी के पास हम आ गए हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी फुल सर्विस आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें फुल सर्विस में होता है क्या, इसमें पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, देखने में BMW है आपको टफ लगेगा, लेकिन बहुत ही ईजी है इसका काम, बहुत ही अच्छा से सर्विस हो जाएगी। इसका इंटेक, इसका डब्बा, ये जो हमारा डीजल गाड़ी का है दोस्तों, इसमें पूरा ही बेहतरीन तरीके से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने फेस को बाहर कर लेते हैं, एयर फिल्टर के जितने भी ऊपरी भाग हैं सभी को ओपन करेंगे। ये देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन करना स्टार्ट कर दिया। अभी ये देखिए ऊपर का कवर है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी देती है, एक दो तीन नहीं तीन कवर से ही लैस करती है इसके इंजन को। अब हमने इसको इंजन को ओपन कर दिया है दोस्तों, कवर को निकाल दिया है। अभी कवर को निकालने के बाद ये देखिए हमारा डब्बा है दोस्तों, इस डब्बा को भी ओपन करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारा इंटेक हमने ओपन कर दिया है, 5-6 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के। ये देखिए इसमें देखिए कितना कचरा हुआ है इंटेक को, हमने इंटेक को खोल के बाहर कर दिया है। ये हम आपको रिंग पिस्टन के जो अंदर के कचड़े दिखा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही बारीकी से, ये हमारे EGR है दोस्तों। EGR को हम अभी ओपन करेंगे और इसके बाद इंटेक को हम क्लीन करेंगे। देखिए इंटेक हमारा दोस्तों, इसमें कुछ सेंसर जो होते हैं इसको हम खोल के बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, ताकि हमें जब बेंजीन से यानी पेट्रोल से हम इसे क्लीन करेंगे तो हमें जो है इस पर कोई ज़्यादा डिफेक्ट ना पड़े। ये देखिए डब्बा ओपन कर रहे हैं दोस्तों, नीचे की तरफ से डब्बा हमारा ओपन होगा। आप नीचे की तरफ से इस डब्बा को ओपन करिएगा, थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आसानी से ओपन हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए डब्बा को ओपन की प्रक्रिया है, थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर है मगर हो जाएगी। ये हमें ओपन कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या है, ओपन करने का सेम तरीका वही है, डब्बा वही है सेम, ब्लैक होता है, इसमें कचड़ा हो जाते हैं, रमल वगैरह जो भी बालू वगैरह जो भी चीज़ बाहरी उसमें परत घींच के निकाली होती है, उसे हम घींच के उसमें साफ करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम, जिससे पानी से हम क्लीन कर लेते हैं। हमारे दो एयर होस होते हैं ऑक्सीजन के, इसे निकाल लेते हैं पहले, ताकि पानी से धोने में इसे कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत से निकला, टूट गया है, दूसरा लगाएंगे। ये देखिए हमारा फिल्टर है दोस्तों BMW का, ये देखिए इसमें कितने कण हैं, कितने कचरा, अब इसको हम क्लीन करेंगे गर्म पानी डाल के। इसमें देखिए एक साइड जो है इंटेक दोस्तों हमने साफ करके लगा दिया है, बहुत ईजी है काम करने में BMW का, बहुत ईजी है दोस्तों। मूल चीज़ इसमें क्या होता है, किसी भी गाड़ी का सर्विस करने का मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों कोई भी काम हो आप सर्विस करें। ये देखिए दोस्तों हमने डब्बा को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है, भी क्लीन कर दिया। इसमें पानी और प्रेशर के माध्यम से इसे हम क्लीन करेंगे, पहले गर्म पानी डालेंगे उसके बाद पानी का प्रेशर से हम दोस्तों इसे क्लीन करेंगे।
अब उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने डब्बा को जिस तरह से निकाला था उसी तरह से डाल दिया। ये हमारा गियर ऑयल है दोस्तों। गियर ऑयल को क्या है इसमें BMW में, ये जो कार्टेल दिख रहा है दोस्तों, और ये डीजल, ये देखिए हमारा फिल्टर है। कार्टेल दोस्तों इसमें नया आएगा, क्योंकि इसके कार्टेल में ही हमारा जो है प्रेशर तुरंबा होता है, यानी ये जो प्रेशर जो हमारा गेज होता है प्रेशर से जो फ्यूल अप्लाई करता है वही होता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हो तो हमें लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। नया चैनल